नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। लखीमपुर में किसानों के साथ हुए हादसे के बाद देश भर में किसान संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। बिहार में भी लखीमपुर खीरी किसान हिंसा को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आज राजधानी के बुद्धा स्मृति पार्क के सामने अखिल भारतीय किसान समन्वय संगठन समिति के द्वारा प्रदर्शन किया गया और लखीमपुर खीरी किसान हिंसा में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसान बिल को केंद्र सरकार से वापस लेने की भी मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम सब कई कई किसान संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। दो मिनट अध्यक्षता करने के लिए तीन नाम यहाँ मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। राजेंद्र पटेल, अखिल भारतीय किसान सभा के जमाल रोड से सोने लाल जी और रमाधार सिंह जी का नाम अध्यक्षता के मैं प्रस्तावित करता हूँ। जी को के नाम प्रस्तावित करता हूँ, नंदकिशोर जी। तो मैं आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे राष्ट्रव्यापी धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज किसान आंदोलन का 11 माह पूरा हो गया है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 11 माह से बैठे हुए हैं। उस आंदोलन को कुचलने के लिए चंद तरह के हथकंडे सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आंदोलन से लौटते किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी कर हत्या कर दी जा रही है। लखीमपुर में इसी तरह से आंदोलन से लौटते हुए किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, चार किसान मौके पर शहीद हो गए, एक पत्रकार शहीद हो गए। और उस घटना के मुख्य अभियुक्त सरगना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी तक गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। हम लोग आज इस धरने से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग करते हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनके लड़के आशीष मिश्रा जो मुख्य अभियुक्त है घटना का, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस धरने से हम लोग तीनों काले कृषि कानून को वापस ले रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रस्तावित बिजली बिल 220 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। और बिहार में APMC एक्ट के तहत कृषि मंडियों को पुनर्बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों के साथ हम लोग बिहार में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यह धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। उमेश सिंह, सहसचिव अखिल भारतीय किसान महासभा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।